करने का मेरे को पहले तो सर मनी सप्लाई क्या रहता है अपना कॉन्स्टेंट रहता है, उसको किसी चीज से पर नहीं पड़ता है, न रेट ऑफ इंटरेस्ट से न इनकम से। और डिमांड क्या रहेगा, डिमांड को मेरा इनकम से भी फर्क पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी फर्क पड़ेगा। इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट इनकम बढ़ेगा तो L1 का डिमांड बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो L2 का डिमांड घटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और L2 में कैसा रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज माय मनी सप्लाई विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दिस इज माय L, दिस इज द टोटल डिमांड फॉर मनी, जहां पे डिमांड किसके बराबर हो गया सप्लाई के, वहां पे मेरा इकोनॉमी किस लेवल पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। किस इकोनॉमी में, मनी मार्केट या गुड्स मार्केट, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे वहां पे होगा जहां पे मनी का सप्लाई किसके बराबर है, मनी का डिमांड के बराबर है। तो इस इक्विलिब्रियम लेवल पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, आर जीरो, राइट। अब मेरे को यह भी पता है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशन किसके साथ होता है, इनकम के साथ भी होता है। तो साइड में हम और एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि सर मान लिया कि इस रेट पे आपका इनकम कितना था, बाई जीरो। इस रेट पे आपका इनकम कितना था, ड्यू टू एनी रीजन योर इनकम हैज इंक्रीज, इनकम इंक्रीज होके वाई जीरो से किधर चला गया, वाई वन पे चला गया। अब मेरा एल वन का डिमांड किस पे डिपेंड करता था, इनकम पे। जब इनकम बढ़ा तो L1 का डिमांड बढ़ गया, जब L1 का डिमांड बढ़ेगा तो टोटल डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये मेरा मनी का डिमांड L से बढ़ के किधर चला गया, समझ में आता है। जब मेरा इनकम बढ़ा तो कौन सा वाला डिमांड बढ़ा हुआ, L1 या L2? L1, L1 बढ़ा या L2 बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, मेरा टोटल डिमांड बढ़ जाएगा। तो मेरा डिमांड L से बढ़ के L1 पे चला गया, बट मेरा मनी सप्लाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, बढ़ के आर जीरो से आर वन पे चला गया, समझ में आता है। तो इस नया रेट पे मेरा इनकम कितना है, वाई वन, कोई दिक्कत। मेरा वाई वन का जब इनकम है तो मेरा नया रेट क्या आ गया, आर वन। क्या इक्विलिब्रियम में ई से चेंज होके ई वन हो चुका है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो कर्व निकल गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलएन कर्व। एक साइड में क्या है रेट ऑफ, और एक साइड में क्या है, यहां पे भी क्या था, एक साइड में रेट और एक साइड में नेशनल इनकम। तो सर आईएस कर्व किसका किसका रिलेशन दिखाता था, रेट और नेशनल इनकम का। एलएन कर्व किसका किसका रिलेशन दिखाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम का। ये कौन सा मार्केट में दिखाता था, ये कौन सा मार्केट में दिखाता है, मनी मार्केट में। कमोडिटी मार्केट में इसके हर एक पॉइंट पे इकोनॉमी किस लेवल पे था, इक्विलिब्रियम पे। और यहां पे भी हर एक लेवल पे इकोनॉमी किस लेवल पे है, जहां पे ई है वहीं पे तो ये पॉइंट मैच किया, जहां ई वन है वहीं तो ये पॉइंट मैच किया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर आईएस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस कर्व कमोडिटी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सर हम लोग जो L1 लिए हैं, जो शिफ्ट हुआ, तो वो सब हम लोग L1 नहीं 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 मतलब L1 प्लस, इसको L0 ले लो, इसको L ले लो। सर इनकम बढ़ा तो इनकम बढ़ा तो हम बता देते, इसी तरह देखो, इसी तरह देखो। यहाँ पे पहले तुम्हारा क्या बढ़ा, इनकम बढ़ने से क्या बढ़ गया तुम्हारा, L1 की जगह हम सिर्फ बोलते हैं कि L बढ़ गया। अरे अगर L1 बढ़ेगा, L क्या होता है, L1 प्लस L2, तो अगर L1 बढ़ेगा तो L बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। L1 अज्यूम नहीं कर रहे, L1 is equal to L, नहीं वो भी नहीं अज्यूम कर रहे। मेरा टोटल डिमांड किसके बराबर होता है, L1 प्लस L2। अब अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या L2 बढ़ेगा या L1 बढ़ेगा, हाँ क्योंकि L2 does not depend on इनकम। अच्छा L1 बढ़े या L2 बढ़े, क्या बढ़ेगा मेरा, L बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
तो वही हम डायग्राम में बनाए थे। मेरा मान लो कि मेरा पहले एल था, तो एल से एल वन पे चले गए, एल में प्रॉब्लम है तो उसको एल जीरो, इसको एल ले लो। एल मीन्स डिमांड फॉर मनी, टोटल डिमांड फॉर मनी इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाई बढ़ा तो क्या बढ़ा, इनकम बढ़ने से क्या बढ़ा, एल बढ़ गया। एल बढ़ने से क्या बढ़ा, आर बढ़ा। इधर पे ना कुछ उल्टा हो रहा था, इधर रेट घट रहा था इसलिए वाई बढ़ रहा था, मतलब कि यहाँ पे इनकम पे असर हो रहा था किसकी वजह से, रेट। यहाँ पे रेट पे असर हो रहा है किसकी वजह से, इनकम की वजह से। क्या दोनों का डिफरेंस समझ में आता है? इन आईएस कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज अफेक्टिंग द इनकम, एलएम कर्व इनकम इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ में आया? यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा इसलिए इन्वेस्टमेंट का खर्चा बढ़ा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, इसलिए इनकम बढ़ा। यहाँ पे इनकम बढ़ने की वजह से रेट पे असर नहीं आया था, रेट बढ़ाने से इनकम पे असर आया था। और यहाँ पे इनकम बढ़ने से किस पे असर आ रहा है, रेट पे। पहले हम लोग क्या अज्यूम किए कि हमारा इनकम बढ़ गया वाई जीरो से वाई वन पे, इसलिए मेरा मनी का डिमांड बढ़ गया, और मनी का डिमांड बढ़ गया इसलिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। समझ में आता है कि नहीं आता है? क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे।